everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ घर कुछ टैंक टॉप, समर टॉप्स, जीन्स जो भी मैंने परचेस किया है, ब्लेजर वेजर, ये सारी चीजें. एंड साथ ही साथ मैंने एक ट्रॉली बैग भी मंगवाया है, तो कैसा आया है, कैसी क्वालिटी है. दिस विल गोइंग टू बी अ ट्राई ऑन हॉल ऑब्वियसली. जो भी मैंने खरीदा है वो मैं पहन के दिखाऊंगी कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप ये परचेस करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो. एंड या विदाउट फर्दर डू लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद MHS. MHS क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. MHS है माय हॉल स्टोर. तो जैसे कि आप जब नॉर्मली शॉपिंग करते हो तो क्या होता है, नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक प्रोडक्ट के लिंक डाल देते हैं. तो अब आप एक एक लिंक क्लिक करके देखोगे, इससे बेटर होता है कि आपको सिर्फ वो जो माय हॉल स्टोर है ना उसको क्लिक करना है. एंड एक इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स अब तक के जो भी मैंने अमेजन से शॉपिंग करी है ना, मेरे जितने भी क्लोदिंग हॉल्स आपने और भी देखे होंगे पुराने, उन सब के प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर डले हुए हैं. साथ ही साथ आपको एक ही साथ में मिल जाएंगे, ठीक है. सो इट वुड बी इजियर फॉर यू. सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, आपको अलग अलग से वीडियो जाकर के ओपन करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हमारे शॉपिंग हॉल से. तो जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा ये एडिडास का टी शर्ट. मैंने मंगवाया है, ग्रे कलर का है. एंड इसमें जो एडिडास की डिटेलिंग करी हुई है ना, मतलब जो इनका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है एडिडास की चीजों में, ये तीन ऐसे लाइन होती है, चाहे आप शूज ले लो, लोअर लो, इनके टॉप टी शर्ट जो भी ले लो, है ना. ये व्हाइट कलर में नहीं है, दिस इज इन लाइलैक कलर में है. तो काफी प्यारा सा हिंट ऑफ पर्पल दिया हुआ है. सो ग्रे एंड पर्पलिश कलर की है. तो कॉटन का है, या तो आप चाहें तो इसको अपने समर जो आप वर्कआउट क्लोथ्स होते हैं उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं, या तो आप इसको घर पे पहन सकते हैं, चाहे तो आप बाहर पहन के भी जा सकते हैं. दिस इज परफेक्ट एंड काफी सही है. मैं फर्स्ट टाइम कोई एडिडास का टी शर्ट पहनने वाली हूँ. उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो अगेन एक एडिडास का ही टॉप है. तो पहले मैंने ये एस साइज में मंगवाया था, बट एस साइज ना एकदम फिटेड आया था मुझे, छोटा नहीं बोलूंगी मैं, एकदम फिटेड आया था. बट आई रियली डोंट वांट टू वेयर यू नो एकदम ऐसे फिटेड वाला टॉप, मुझे हल्का सा एक साइज लूज चाहिए था. भले मैं वर्कआउट में इसको पहनूं, वॉक करते टाइम जाए पहनूं, घर में पहनूं, जहां पे भी पहनूं, बट मुझे एक नंबर इसका लूज चाहिए था. मुझे बहुत ज्यादा एकदम फिटेड वाला पसंद नहीं आता है. तो अभी मैंने इसको एक्सचेंज करा करके एम साइज में मंगवा लिया है. काफी प्यारा सा प्लेन ब्लैक सॉलिड टी शर्ट है. आई थिंक आपको पता चल ही चुका होगा मुझे ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है. तो काफी अच्छा सा टॉप है, रियली सिंपल सा है. छोटी सी यहाँ पर इनकी वो दी हुई है, ब्रांडिंग करी हुई है. एंड बेसिक टी शर्ट है, सिंपल. आप चाहें तो उसको जीन्स पे भी पहन सकते हैं, किसी भी पहन सकते हैं, इन शॉर्ट घर में भी पहन सकते हैं. सो आई रियली लाइक इट. क्वालिटी वाइज पता नहीं, मुझे क्वालिटी अभी पता चलेगा वॉश करने के बाद कि कैसा है, कि इसमें इसका जो क्लोथ है वो नॉर्मल क्लोथ से ज्यादा बेटर है, क्यों वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है. तो जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स हैं उसमें आप देख लीजिएगा, मैं कहीं ना कहीं अपडेट जरूर करूंगी. सो ये मेरा नेक्स्ट टॉप. Like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth. Even though it. उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट टॉप परचेस किया है, ये आई थिंक मैं पहन भी चुकी हूँ अपने एक वीडियो बनाते टाइम, वीडियो में मैंने पहना भी हुआ है बनाते टाइम. तो ये ओनली का टॉप है एंड रियली ब्यूटीफुल सा कलर है. ऐसे टील ग्रीन जो कलर होता है ना, टर्कोइज टाइप का मिक्स टील ग्रीन टाइप का कलर है. ये एक्चुअली कैमरे में थोड़ा ब्लूइश दिख रहा है, बट दिस इज नॉट ब्लू एग्जैक्टली. मैं पिक्चर भी डाल दूंगी कि कैसा दिख रहा है और कैसा दिख रहा था वेबसाइट पे, उसी टाइप का कलर है. सो आई रियली लाइक द नेक. आजकल इस तरह के नेक का काफी ज्यादा फैशन आ चुका है, तो नेक इसका काफी प्रिटी सा है. हल्का सा क्रॉप है, बहुत ज्यादा क्रॉप नहीं है, एकदम थोड़ा सा ही क्रॉप है बने हुए. तो ये बार वॉश हो चुका है पहन करके, तो अच्छा है. सिंपल जैसे टॉप होते हैं, काफी कंफर्टेबल है. फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब इनके जो ओनली के जो टॉप्स होते हैं ना, आप को आराम से समर में कैरी कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने परचेस किया है, मुझे बहुत टाइम से एक अच्छा सा ब्लेजर चाहिए था. एंड यूजुअली मैंने बहुत बार ब्लेजर मंगवाया भी, बहुत बार रिटर्न भी कर दिया, बहुत बार मैं शॉपिंग करने जाती थी तो मैंने उनको पहन के देखा बट मुझे जमता नहीं था. कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता ही होता था. एकदम परफेक्ट फिट का जो ब्लेजर होता है ना, वो मुझे नहीं मिल रहा था. एंड बिकॉज आई लिव इन मुंबई और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो मुझे
स्पेसिफिकली थोड़ा कॉटन साइड के मटेरियल में चाहिए था ताकि आप समर्स में भी उनको पहन सको, अगर आप एसी में हो तो आप आराम से उसको कैरी कर सको. सो दैट्स व्हाट इस तरीके का ब्लेजर मुझे चाहिए था. एंड ये मैंने ब्लेजर मंगवाया है ओनली का, एंड मुझे अगेन मैंने वैसे ही मंगवाया था कि मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगी, वापस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी. बट सरप्राइजिंगली ये बहुत ही प्यारा आया था, इसका फिट बहुत प्यारा था, कंफर्टेबल बहुत ज्यादा था. इसका पहले तो आप कलर देखिए कि कितना ब्यूटीफुल समरी कलर है, बहुत ही प्यारा सा कलर है. एंड इसकी जो स्लीव्स है ना वो एकदम ऐसे फुल स्लीव्स भी नहीं है, जितना मुझे पसंद है उतनी स्लीव्स है. एंड आप इसको 3/4 कर सकते हो आराम से, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने बटन वगैरह दे करके रखा हुआ है. रियली लव दिस ब्लेजर, काफी प्यारा सा ब्लेजर है. हाँ डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव है, ब्लेजर्स यूजुअली एक्सपेंसिव ही आते हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है. मे बी इसका जो फैब्रिक है कॉटन है या जो भी, आई डोंट नो, बट आई रियली लव इट. और मुझे ये इन्वेस्ट करना सही लगा, एक ब्लेजर आपके पास अच्छा सा आ जाए ना हर चीज में आप पहन सकते हो उसको. सो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, एंड समर्स में पहन सकते हो, गर्मी में पहन सकते हो, आपको उसको पहन के बहुत गर्मी नहीं लगेगी. सो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज जो मैं बहुत टाइम से चाहती थी, एक अच्छा सा ब्लेजर लेना, ब्लेजर में इन्वेस्ट करना. तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज. जो नेक्स्ट स्टॉप आया है वो आया है ये फैब अली का, फैब एली या अली जो भी है उनका मैंने टॉप मंगवाया है. तो बेसिकली ना ये इनका जो अमेज़न पे जो साइजेस दिए हुए हैं वो बहुत थोड़े उटपटांग दिए हुए हैं, तो उसको समझ करके मैंने उसको सही समझ करके एक्सेस साइज मंगवा लिया था. तो बाप रे वो तो एक्सेस साइज तो इतना खतरनाक था कि वो मेरे अंदर फिट ही नहीं हो रहा था, मतलब अंदर भी नहीं जा रहा था मुझे, इतना ज्यादा छोटा था. तो फिर मैंने ये एक्सेस हटा करके एस मंगवाया. आई होप कि ये मुझे फिट हो जाए, मतलब लग तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था. इसका पैटर्न वैटर्न काफी ज्यादा स्मार्ट एंड सुंदर सा पैटर्न था, मतलब अच्छा लग रहा था. सो लेट्स सी, पहनने के बाद अच्छे से और पता चलेगा कि ये एक्चुअली में वर्थ बाइंग है या नहीं है. और स्टाइलिश स्लीव्स है, काफी ऐसे थ्री लेयर स्लीव्स का है, तो अच्छा लगा मुझे ये, काफी अच्छा पैटर्न लगा. उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने टॉप मंगवाया है वो मंगवाया है ऐसे टैंक टॉप टाइप का मंगवाया है घर में पहनने के लिए. मैंने अपने काफी सारे जो मेरे पुराने टैंक टॉप थे वो सब डीक्लटरिंग में हटा दिए क्योंकि उनकी क्वालिटी लिटरली बहुत खराब हो गई थी और मैंने बहुत पहन भी लिया था उनको. तो ये मैंने ऐसे थोड़ा सस्ता सा मंगवाया है. दिस इज इन द साइज एम और ये आया है 246 रुपीज का. तो ग्रे कलर का है, ऐसे सिंपल सा घर में पहनने के लिए, समर्स में रात को सोने होने के लिए. एंड अच्छा लग रहा था मुझे काफी ज्यादा. इस पे क्या लिखा हुआ है, नेवर एवर गिव अप, तो पिंक कलर में लिखा हुआ है. इट्स बेसिक टैन टॉप, आप चाहे तो बाहर भी पहन सकते हैं. एंड यस ये है, इसको मैं और अच्छे से पहन के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कैसा है. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है ये एलन सोली का ड्रेस. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ड्रेस कि मैं इसको कंटिन्यू रखने वाली हूँ या वापस करने वाली हूँ. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि ये ड्रेस बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, नो डाउट इसमें कि इसके उस पर तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बहुत ही प्यारा सा ऐसे सिल्की जो रेड कलर होता है ना सिल्क पैटर्न में, ये उस तरीके का है. बट ये मुझे कहीं ना थोड़ा सा ऐसे फॉर्मल लुक दे रहा था, एंड आई रियली डोंट लाइक कि मेरा जो ड्रेस है वो ऐसे, मुझे नहीं पसंद है ऐसे फॉर्मल टाइप का लुक दे. तो वो एक रीजन है. पैटर्न वैटर्न काफी ज्यादा खूबसूरत है. सो इफ यू वांट समथिंग लाइक दिस, थोड़ा फॉर्मल टाइप का पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. बट हाँ आई एम स्टिल डाइसी कि मुझे ये रखना है कि नहीं रखना है. जो नेक्स्ट ड्रेस मैंने लिया है वो लिया है ये वेरोमोडा का वन पीस गाउन है, एंड मुझे इसका पैटर्न बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था. एंड वेरोमोडा के ड्रेसेस आर रियली ऑसम, आपको पता भी होगा. तो लास्ट टाइम में जो मैंने एक ड्रेस मंगवाया था उसमें से भी मुझे एक पैटर्न बहुत पसंद आया था. बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है ये. आई रियली लाइक द डिटेलिंग ऑफ इसका जो नेक है ये. मैंने सोचा था कि थोड़े टाइम बाद जब कोविड थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब हम लोग तो एक भी बार लिटरली कहीं पे भी स्टेकेशन, मैंने सोचा था अब शायद कोविड थोड़ा कम हो जाएगा, बट कोविड है कि फिर से वापस से बैक फ्लिप मार गया. बट दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस है ये. बड़ा प्यारा लगा मुझे ये ड्रेस, और जब मैं इसको पहन करके दिखाऊंगी ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा.
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने मंगवाई है, एक्चुअली हम लोगों के पास ना चार ट्रॉलीज हैं, तो दो तो एकदम जो स्मॉल साइज की ट्रॉली होती है वो है, एक वो विक्की ले लेता है, एक मैं ले लेती हूँ। एक मीडियम साइज की ट्रॉली है जो हम रेयरली यूज करते हैं, एंड एक बिल्कुल जंबो साइज की जो ट्रॉली होती है ना वो है। हम लोगों के पास एक भी ऐसे बैग होता है ना, जो ट्रॉली बैग होते हैं, मतलब मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके का कुछ भी बैग नहीं था। इसको अगर आपको इस तरह से कैरी करना है तो आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा बेल्ट दिया हुआ है विच इज रिमूवेबल, एंड साथ ही साथ इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, सो दैट इफ यू कैन ऑल्सो कैरी दिस बैग लाइक अ ट्रॉली एज वेल, विच आई रियली लाइक इट, रियली लाइक द क्वालिटी, बहुत स्टर्डी है। एक जिप तो दिया हुआ है यहाँ पर सामने, एक ये सामने जिप दिया हुआ है और एक जो ये सेंटर जिप होता है वो, एंड काफी बड़ा है, मतलब आप यहाँ से देखेंगे ना तो इसमें काफी सारा सामान आ जाएगा। ट्रॉली बैग जो छोटे वाले ट्रॉली बैग होते हैं ना वो दिखने के बड़े और क्यूट होते हैं, बट उसमें बहुत अच्छे से सारा सामान नहीं आता है, तो आई रियली वॉन्टेड अ बैग जिसमें सामान अच्छे से आ सके। यही है, यही थी मेरी शॉपिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इनमें से क्या चीज आप ऑर्डर करने वाले हैं मुझे बताइएगा जरूर। एंड यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी। इफ यू वांट टू परचेस एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट, माय हॉल स्टोर का लिंक भी दिया रहेगा, तो आप उसको क्लिक करिएगा एंड सारे प्रोडक्ट्स एक जगह पे देख लीजिएगा। दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।